मॉर्निंग, कैसे हो? आपसे बातें करते हैं, आपकी तरफ बहुत अच्छी होगी, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ब्लॉग की सेटिंग करने जा रही हूँ आज ब्रेकफास्ट के साथ, और ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ जो आपको बता दिखाती हूँ। आज है ब्रेकफास्ट में पॉन्टे सादे वाले और चाय, और साथ में सब्जी है। इस आप भी ज्वाइन कीजिए, इसे खाने के बाद आपसे मिलती है। मैं बताना था कि कल कितना अच्छा गया हमारा, आपका भी अच्छा ही गया होगा क्योंकि इस क्रिसमस होता है। लेकिन साथ साथ हमें अपनी मतलब जो शीट दी है वो भी, जो अब्बा जी ने शीट दी थी हम सब के लिए, सारे यहाँ के लिए, तो मतलब वो भी हमें याद रखना चाहिए। और साथ साथ हमें क्रिसमस का भी दिन नहीं भूलना चाहिए। तो यही बताना चाहती थी मैं आपको। तो आपने भी बहुत कुछ इन्जॉय करा होगा, यही शेयर करना चाहती थी आपसे। तो मेरी ब्लॉग में भरी रही है, कहीं पर जाइए, ब्लॉग में बहुत कुछ है खास। तो आपसे बात नहीं मिलती है। गाइस सब्जी तो बन चुकी है, मैं तो सोची रोटी बना, रोटी बना रही हूँ। लेकिन आप मेरे ब्लॉग में कहीं जाइए, बहुत कुछ है खास। तो बने मेरे ब्लॉग में। लंच में आज बनी है आलू मटर रोटी और अचार है, कहीं मत जाइए, खाने को आपसे मिलते हैं, ब्लॉग में बहुत कुछ खास। मेरे सारे काम हो चुके हैं एक दिन की जो थी, तो सोचा मैं रील बनाऊँ, तो वो सभी रील बना के ही हटी हूँ। तो सोचा आपसे बात कर लूँ, आपको बता दूँ, मतलब कि आपसे शेयर करूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से। लेकिन अभी बहुत कुछ है खास, तो बनी रहेगी मेरी ब्लॉग में। जा रहे हैं मंदिर बनते हैं जाने का। तो आज ना मम्मा की जाए तो मैं कुछ काम कर रही थी, इसलिए गई मम्मी आ पाएगी, तो बस ही हम जाने का। और बस मम्मी मार्केट भी जाने हैं, टीचर मार्केट से सामान लेने के लिए। तो जो मेन है, हाँ जी वो ट्रेन है, पिछली बार तो अनशन हो गया था ना पानी की वजह से, चल रहे गाई थी, मुझे याद है गाई थी ना, बिल्कुल ठीक हो गया था एकदम। लेकिन आजकल ना मेरा तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ध्यान रखना पड़ता है ना, खाने पीने का भी किसी को खराबी ना हो जाए। तो गाइस पहले प्रसाद ले आते हैं, मंदिर बैठते हैं, फिर गाइस मार्केट जाएंगे। तो कहीं मुझे ना बने हैं उन लोग में क्या हो गया? घर जा रहे हैं, हमारा जो काम था वो हो चुका है। तो हमने निकले घर की ओर, निकले घर की ओर, ढीरा हो चुका है, स्कूल चले, घर चले हम। वो स्कूल आ गया था ना, तो स्कूल निकल गया। हाउ इंटेलिजेंट शी इज गाइस। तो गाइस आज का सफर अभी तो बहुत है, कार कहीं मत जाइए व्लॉग में। सफर ये कार है ना, तेरा मेरा सफर, बताते हैं। तो गाइस अभी हम घर जा रहे हैं, अपने घर पे मिलते हैं, गाइस मत जाना, व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग। और हम डॉगी को देने जा रहे हैं। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज 11 पौधी रात है, तो उस इतिहास सुनाने जा रही हैं। तो सुनियो जी सारी गाइस, मैं उस दिन जब मोरिंडे में पता चला वजीर खान नवाब को सरहंद का, तो उसने अपने सिपाही भेजे गुरु जी यानी माता गुजरी जी और छोटे साहबजादे को लेने के लिए। वो जैसे सुबह हुई, सुबह सुबह पूरी सुबह भी नहीं हुई थी, उसने अपने सिपाहियों को भेजा और मोरिंडे से कोतवाली से निकाल के उनको सरहंद ले गए ठंडे बुरज में। माता जी को तो जब लेके जा रहे थे मतलब रास्ते में, तो बहुत लोगों ने देखा, लेकिन वो कुछ कर तो सकते नहीं थे, बस अब हमदर्दी से पूछ रहे थे तुसीं कौन हो और ये बच्चे कौन है। तो छोटे साहबजादे ने बोला कि हम गुरु पिता गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं और ये हमारी दादी माँ हैं। फिर आगे चले तो बहुत भीड़ लग गई लोगों की, लोग पूछ, और फिर वो जो जो सिपाही लेके जा रहे थे उनको, तो वो रास्ता बना रहे थे हटा हटा के लोगों को। फिर जब वो वहाँ पे पहुँचे तो एक पीपल के नीचे उनको रख के, अब जिस गाड़ी में लेके जा रहे थे तो पीपल के नीचे रख के माता गुजर कौर जी को और छोटे साहबजादे जी को, तो उनको रख के अंदर पूछने गए कि हम उनको ले आए हैं। तो उनको लेके आए अंदर, तो माता जी को ठंडे बुर्ज में बिठा लिया और छोटे साहबजादे को उधर
सरहंद के वजीर खान के नवाब के सामने पेश करो कर दिया। तो जैसे ही वो गए अंदर छोटे साहबजादे जी, तो उन्होंने नवाब साहब के सामने कहा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारे लोग वहाँ पे हैरान हो गए जितने अंदर थे, कि यहाँ पे नवाब का हुक्म चलता है और ये वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह कह रहे हैं। क्योंकि वो बच्चे जो छोटे साहबजादे जी, वो अपना धर्म थोड़ा छोड़ सकते हैं, वो तो वो जो वही कहेंगे ना जो उनको मतलब भगवान की रजा में जो होता है वो वही मानते थे, अपने पिताजी के समान और अपने दादाजी के समान, पूर्वजों के समान। तो उन्होंने बहुत लालच दिया नवाब ने कि यहाँ पे एक तो ये नवाब का वो है, यहाँ पे किसी भी गुरु का जिकारा नहीं रह सकता, बस मेरा ही हुक्म चलता है। और लालच दिए कि तुम मान जाओ महल के ये रान, बहुत लालच, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि उनके अंदर अपने गुरुजी यानी अपने गुरु गोविंद सिंह जी की तरह उनका वो मन एकदम साफ था, वो किसी भी लालच में नहीं आए। उन्होंने कहा हमें कोई लालच नहीं चाहिए, हमें हम सिर्फ एक अकाल पुरख को मानते हैं। और फिर जब उन्होंने जब वो हार गया, तो उसने एक ये भी बोला कि मैं चमकौर साहब में हमारे गुरु पिता जी को उनका शीश काट के मैंने दिल्ली बादशाह के पास पहुँचा दिया है। लेकिन वो उन्होंने यकीन नहीं करा सब छोटे साहबजादे जी ने कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो भगवान का वो है, भगवान का रूप है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने उसमें वो लाने चाहिए, फिर भी नहीं माने, तो उन्होंने कहा कि इन्हें वापस सिपाहियों के हाथ वापस भेज दिया ठंडे बुरज में, जहाँ पर माता जी गुजर कौर जी बैठे हुए थे, वहीं पर उनको भेज दिया। जैसे ही उठते आए तो उन्होंने गले से लगा लिया और जमीन पे आप जमीन पर नहीं, लेकिन पोतों को अपनी गोदी में बिठा के पूछने लगी। और उनने बताया कि आज जो जो हुआ कचहरी के अंदर सब बताया। तो लेकिन उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा करा, दादी माँ ने कहा कि तुमने अपने धर्म की ओर रक्षा करी, इसी तरह आगे भी ऐसे धर्म की रक्षा करते रहना और अपनी दादी दादा पिताजी और अपने पूर्वजों की तरह अपनी पूर्वजों की तरह अपनी राख रखते रहना, मतलब धर्म की। और जब जहाँ पे उनको रखा गया था ठंडा बुरज, वो नवाब साहब का एसी का, जैसे आजकल जो होता है ना कमरे, उस समय वो एसी का एक कमरा था, वो ठंड में उन्होंने गुजर कौर जी को और उनको रखा हुआ था उस जगह पे। सोचो कितनी ठंड लगती होगी। तो यही था आज का इतिहास, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के बच्चे, आज का इतिहास यही सीखा। तो अब हमारे ब्लॉग को बनी रहिए, आगे आपको बता और भी आगे आपको बताते और भी बहुत कुछ है। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, माए तेरे पोते शहीदी पा गए, नीहा विच आकर फतेह भुला गए, जिंदगी दा हुण एतबार ना करी, जिंदगी दा हुण एतबार ना करी, पोतिया दा हुण इंतजार ना करी, पोतिया दी हुण इंतजार ना करी, पोतिया दा हुण इंतजार ना करी, छड गए शरीर नीहां विच समा गए, नीहां च आकरी फतेह भुला गए, माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहां विच आकरी फतेह भुला गए, तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहां विच आकरी फतेह भुला गए, पोतिया दा जोड़ा नीहां विच खलो गया, पोतिया दा जोड़ा नीहां विच खलो गया, वड्डे नाल छोटा पहले ओले हो गया, वड्डे नाल छोटा पहले ओले हो गया, डिग्गी सी दीवार दोवे दोवे थले आ गए, डिग्गी सी दीवार दोवे थले आ गए, नीहां विच आकरी फतेह भुला गए, माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहां विच आकरी फतेह भुला गए, सीधी वार बार बार जोर दी, डिग्गी सीधी वार बार हर जोर दी,
ਜਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੀ ਜਾਲਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੀ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਲਾਲ ਮੋਤ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਗਈ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਗੂੰਜਦੇ ਜਕਾਰੇ ਸੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਗੂੰਜਦੇ ਜਕਾਰੇ ਸੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਗਏ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਰੈਡੀ ਹੈ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਲਿਡ ਹੈ ਖਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਸੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਤੋ ਬਣੇ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ ਮੈਂ ਸਭ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲੌਗ ਕਾ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਕਾ ਆਪ ਸਭ ਸੇ ਵਿਦਾ ਲੈਣੇ ਕਾ ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ ਕੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏਗਾ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਤ ਭੁੱਲੀਏਗਾ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਸੇ ਬਲੌਗ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਜੋ ਵਲੌਗ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਡਾਲਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏਗਾ ਜੋ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏਗਾ ਔਰ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟਸ ਬਣਾਤੀ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਮੈਂ ਰੀਲਸ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਹੂੰ ਇਨਸਟਾ ਪੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਦਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਹਾਂ ਜਾਈਏ ਮੁਝੇ ਫੋਲੋ ਕੀਜੀਏ ਇੰਦਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੋ ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਕਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਏ ਬਾਏ।